आइए देखते हैं कहानी अंडरग्राउंड तंदूरी चिकन। एक छोटा सा गांव था जिसे देवंतपुरी कहा जाता था। उस गांव में किरण और अर्जुन नाम के दो दोस्त थे। अर्जुन देखने में बदसूरत था। वो अपना खेत जोतकर अपने परिवार को पाल पोस रहा था। दूसरी तरफ किरण की मीट की दुकान थी। वो अपनी दुकान से अच्छा मुनाफा कमाता था और अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे रहा था। एक दिन जब किरण अपनी दुकान में चिकन काट रहा था, अर्जुन वहां आया और बोला, अरे किरण, मुझे तुमसे एक बात करनी थी भाई। वो क्या? बताओ ना अर्जुन। मैं जो भी फसल उगाऊं, मेरे खेत में उपज अच्छी नहीं हो रही है। मुझे ना तो नुकसान हो रहा है और ना ही लाभ। कहने का मतलब है कि कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं कोई धंधा शुरू करना चाहता हूँ। ये सुनकर किरण को बहुत अच्छा लगा। ये तो बढ़िया है यार, तो बताओ कौन सा धंधा करने की सोच रहे हो? मैंने कल रात अच्छी तरह से सोचा। हमारे गांव में तंदूरी मुर्ग की कोई दुकान नहीं है, है ना? मैं उसी दुकान खोलूंगा। इससे तुम्हें भी फायदा होगा, क्योंकि चिकन तुम्हारी ही दुकान से तो आएगा मेरे पास। ये सुनकर किरण ने अपनी सहमति दिखाई। कुछ दिन बीत गए और जैसा कि तय हुआ था, अर्जुन ने एक बोर्ड के साथ अपने दोस्त की दुकान के बगल में तंदूरी चिकन की दुकान खोल ली। फिर एक दिन उस सड़क से जा रहा एक आदमी, वाह क्या गजब की खुशबू आ रही है, ये कहां से आ रही है? जब उसने इधर उधर देखा तो उसे अर्जुन की तंदूरी चिकन की दुकान दिखी। तुरंत वो वहां गया और बोला, अरे सुनो, मुझे जरा एक प्लेट तंदूरी चिकन देना। अर्जुन ने खुश होकर हाँ कहा। लेकिन फिर अर्जुन को देखकर वो आदमी सोचता है, ये आदमी देखने में कितना अजीब है, इसका चेहरा बड़ा बुरा दिख रहा है। मैं यहाँ से चला जाऊं तो बेहतर होगा, पता नहीं वो कौन सी बीमारी हो सकती है। ये सोचकर उस आदमी ने कहा, सुनो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक जरूरी काम याद आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इस तरह वहां आने वाला हर कोई पहले तंदूरी चिकन का ऑर्डर देता और फिर अर्जुन पर नजर जाती तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चला जाता। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया और बहुत हताश हुआ। तभी वहां एक महिला आती है। क्यों भाई, तंदूरी चिकन कितने का है? इससे पहले कि वो उसे जवाब देता, वो औरत बोल पड़ी, नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा कितना बदसूरत है, पता नहीं क्या बीमारी है, शायद खाने में भी फैल गई होगी। तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे उल्टी सी आ रही है। इस तरह मुंह बनाकर वो भी वहां से चली गई। अर्जुन को बात समझ आई तो उसे दुख की सीमा नहीं रही। वो अपने दोस्त के पास गया और रोने लगा। दोस्त, अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं तो मेरी क्या गलती है? क्या चेहरे की वजह से मेरा धंधा चौपट हो जाएगा? फिर उसने बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर किरण ने उसे दिलासा दिया, फिक्र मत करो यार, मैं इस बारे में सोचता हूँ, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। फिर उसने सारी रात इसके बारे में सोचा। अगले दिन सुबह किरण ने अर्जुन से कहा, दोस्त मुझे इस प्रॉब्लम का एक अच्छा हल सूझा है, अब से मेरी चिकन की दुकान अंडरग्राउंड होगी, तुम्हारी तंदूरी चिकन की दुकान भी। मैं तुम्हें सारी बात ढंग से समझाता हूँ, हम दोनों दुकानें अंडरग्राउंड रखेंगे। मैं एक बाल्टी को ऊपर से नीचे लटकाऊंगा और तुम्हें ग्राहकों का दिया ऑर्डर बताऊंगा, तुम वो चीजें उस बाल्टी में डाल दिया करना, फिर मैं इसे ऊपर खींच लूंगा। तुम समझ गए ना, अब से हम एक साथ व्यापार करेंगे और होने वाले मुनाफे को बराबर बांट लेंगे। ये सुनकर अर्जुन ने ठीक है कह दिया। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड में चिकन शॉप और तंदूरी चिकन शॉप को शुरू किया। अंडरग्राउंड रहकर अर्जुन चिकन काटकर तंदूरी चिकन बनाता, ऊपर खड़े होकर किशोर माइक लेकर सबको इस तरह बुलाता, आइए सर आइए, मैडम जी आइए, ताजा तंदूरी चिकन, हमारे पास स्वादिष्ट तंदूरी चिकन मिलेगा, मैं से अंडरग्राउंड से निकाल कर दूंगा आपको। इस तरह वो जोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर लोग हैरान होकर वहां आ गए। मुझे एक प्लेट चिकन तंदूरी चाहिए। तुरंत किरण ने बाल्टी को अंडरग्राउंड लटकाया और आवाज लगाई, तंदूरी चिकन। अर्जुन जो अंडरग्राउंड था, उसने झट से एक प्लेट तंदूरी चिकन लगा दिया। फिर किरण ने बाल्टी को ऊपर खींचा
और ग्राहक को तंदूरी चिकन की प्लेट पकड़ा दी। इस तरह वहां आने वाले लोगों को उसने तंदूरी चिकन उनके कहे अनुसार दिया और पैसे लिए। तभी एक आदमी वहां आया और उसने सोचा, अंदर कौन है? यहाँ अंडरग्राउंड कुछ चल रहा है, लगता है कि ये ताजा चिकन नहीं बेच रहे। उसे शक हुआ और वो चुपके से उस अंडरग्राउंड जगह में दाखिल हुआ और वहां जाकर उसने अर्जुन को देखा। अच्छा, तो तुम और किरण मिलकर ये नाटक खेल रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई तुमसे चिकन नहीं ले रहा था ना, तो तुमने ये किया। बाहर आओ, मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा और तुम्हारी असलियत बाहर लाऊंगा। इतना कहकर वो अर्जुन को ऊपर ले गया। फिर उस आदमी ने वहां के लोगों से कहा, देखो देखो, ये है वो आदमी जो अंडरग्राउंड रहता है और किशोर तक ऑर्डर्स भेजता है। उसका चेहरा देखकर हम उसकी दुकान पर नहीं जा रहे थे ना, तो उसने और उसके दोस्त ने ये नाटक रचा है। चलो इसे पाठ पढ़ाएं। इस तरह वो जोर से चिल्लाया। एक मिनट रुकिए, इसमें क्या गलत है ये बताइए। हम अपना धंधा ईमानदारी से कर रहे हैं। रूप तो ईश्वर की देन है, हर कोई सुंदर नहीं हो सकता। दूसरों की खामियों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। अच्छी शक्ल नहीं, अच्छा दिल और अच्छा चरित्र एक इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। माफ कीजिए, लेकिन आप में से किसी में भी वो गुण नहीं है। आप लोग इंसानियत लव समझते ही नहीं है। इस तरह उसने उन सबको लताड़ा। उन सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई और अपना सर झुका लिया। तब उस आदमी को भी लगा कि वो अर्जुन से बहुत गलत तरीके से पेश आया था और अर्जुन से माफी मांगी। बाद में अर्जुन और किरण अपना अंडरग्राउंड चिकन तंदूरी की दुकान चलाने लगे। उन्हें खूब मुनाफा हुआ और वो अमीर हो गए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।